उज्जैन में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। पहला ड्रोन उज्जैन तहसील के ग्राम उमरिया खालसा में उड़ा। भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत संचालित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नक्शे के आधार पर संपत्ति के मालिकाना हक का शासकीय दस्तावेज तैयार करना है। ग्रामों का आबादी नक्शा तैयार करने का कार्य ड्रोन के प्रयोग द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण का कार्य अधीक्षक भू अभिलेख प्रीति चौहान एवं उनकी टीम की उपस्थिति में किया गया। सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है कि ड्रोन द्वारा आबादी का सर्वेक्षण कर उन संपत्ति धारकों के अधिकारों का दस्तावेज तैयार किया जाएगा जो मध्य प्रदेश में 25 सितंबर 2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे अथवा जिन्हें इस दिनांक पश्चात विधि पूर्वक आबादी की भूमि में भूखंड आवंटित किए गए हैं। गाँव के नक्शे के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है बहुत आबादी के लिए बहुत बढ़िया काम करा है। ये इससे पूरे गांव वालों को सुविधा हो जाएगी, अपने घर का पूरा उनको मैप मिल जाएगा कि भाई अपना घर का रास्ता इधर से है, और उसके लिए आगे के लिए भी सुविधा हो जाएगी। लोन वगैरह के लिए भी इससे लोगों को सुविधा मिल जाएगी, घर पे लोन ले सकते हैं इससे।